Haraliya for a long, long time, he has been rendering service at Sector 7, Gurgaon. He was a very honest, devoted, and a committed devotee. He had taken the responsibility that whenever we Guru Bhais used to visit Sector 7, Gurgaon, or any visitor for that matter, he would happily bring, you know, a tray of tea with him, and with love and devotion, he would offer cups to everybody who came to Sector 7. Wonderful man, very peace-loving person, and would render service with a smile. लाला राम जी के आज जाने से श्री गुरु चरणों में उनका निवास हो और गुरु जी उनको अपने चरणों में दें, क्योंकि जितनी सेवा से उन्होंने गुरु जी की सेवा की है वो मिसाल बहुत कम लोगों में मिलती है। और गुरु जी के शरीर छोड़ने के बाद जो गुड़गांव स्थान के ऊपर उन्होंने अपना समय और अपनी सेवा दी है उसके कोई मूल्य या उसकी कोई तुलना नहीं है। गुरु महाराज उनको अपने चरणों में जगह दे। ओम शांति हो। लाला राम जी असल में बहुत अच्छे भक्त आदमी थे। मेरे को तो इतना याद है कि आज से 25 साल से मैं सुबह 4 बजे धाम पर पहुंचता था तो पूरन जी होते थे वहां पर, तो लाला राम जी उनको उठाते थे, उठो 5 बज गए, उठो 5 बज गए, तो वो मतलब 2 बजे उठकर ही चाय रख देते थे, बनती रहती थी, लाल होती रहती थी, कटता रहता था दूध। तो सेवा भावना का उनमें हिसाब ही नहीं, इतनी सेवा भावना थी। रात को 2 बजे पूरन जी उठो 5 बज गए, चाय रख दी उन्होंने, दो 3 घंटे करते हुए दूध की चाय। बहुत ही भोले इंसान, बहुत ही अच्छे इंसान थे। बहुत शॉकिंग है लाला राम जी का सुनकर। एंड वो पिछले 30 या 35 ईयर से वो स्थान पर सेवा कर रहे थे एंड उन्होंने पूरा लंगर में दोनों टाइम का चाय और सब कुछ करना, बहुत सेवा की है उन्होंने गुड़गांव में। और आते तो बहुत पहले से थे, वो गुरुजी के टाइम से के टाइम पर आते थे, लेकिन माता जी ने उन्हें गुरु जी के जाने के बाद कि नहीं वो गुड़गांव में आके सेवा करें, तो वो बहुत टाइम से आई थिंक 28-29 ईयर्स हो गए होंगे उनको। और लंगर में चाय की सेवा और सबका ध्यान रखना, पाठ पूजा तो उनका अलग ही था। वो मैं जैसे हम लोग बात करते थे सब मिलकर कि उन्होंने रोज सुबह उठ जाना, रोज सुबह का मतलब ऐसा नहीं है कि 4 बजे 5 बजे, आई थिंक 2-2.5 बजे उठ के उनका पाठ शुरू हो जाता था। घड़ी का टाइम उन्होंने कभी नहीं देखा, उनका अपना ही लेवल था, जाप करने का अपना टाइम था। और सुबह उन्होंने सबसे पहले उठने वाले पर्सन वही होते थे स्थान पर। उठ के उन्होंने पहले तो मैं बहुत टाइम से नहीं मिली हूँ, लेकिन उनकी सेवा बहुत थी उधर। I'd like to pay my Shraddhanjali to Lalaji, who has been a part of Gurgaon and the Seva at Gurgaon for God alone knows how long. I can't estimate whether it has been 20 years or 30 years. And I personally believe that the man had probably sold his ego for very little and had absolutely no arrogance. And his humility was something that even the Devi Devtas would love to acquire, and I'm sure they'll be gunning for it now. Just saying it jokingly. But yes, that humility that he had was something even the Devi Devtas would genuinely aspire to achieve. And I would envy him for that. And then his tea was probably the best that planet Earth can even think of. I don't think anybody could make such tea like he did, with hardly any materials and hardly any, masalas, etc., etc.
but tea not being the significant part of his journey, I think it was the way he was hospitable and went out of his way to ask people, chai pilaun, kya karun, ye karun, and his simplicity. I mean, his photograph shows it. And I would say, ode to Lala Ji, and I would say that Lala Ji is very lucky to have left for a much, much nicer location. And salutations to him.